नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं पिंडी छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और मरीच, छोला, धनिया पाउडर, 3-4 टमाटर, लहसुन, अदरक और प्याज, थोड़ी सी चाय पत्ती, हल्दी, नमक, गरम मसाला और ये छोला मसाला। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। कुकर में हम डाल देंगे छोले, हमने 2-3 पानी से अच्छे से इसको धो लिया था, और 2 तेज पत्ते, दालचीनी, लौंग और ये काली मिर्च। और अब हम डाल देंगे इसमें पानी, इतना ही पानी डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आप इसमें वो डालना चाहें मीठा सोडा खाने वाला, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। हम इसको रात भर भिगो करके रखे थे छोले को, और फिर धो करके और 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है और छान करके रख लिया है इसको। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कुकर रख दिया है, गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और इसे 4-5 सीटी देने तक पकाएंगे। 6 सीटी हो गई है, हमारे छोले पक चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को उतार करके साइड में रखेंगे। जब तक कुकर हमारा ठंडा हो रहा है, जब तक हमें अपनी चाय की पत्ती को उबाल लेते हैं। तो एक बर्तन रख दिया है, गैस को ऑन कर दिए हैं और डाल देंगे चाय पत्ती और पानी, एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से उबलने देंगे। हम गैस को बंद करेंगे, चाय पत्ती भी हमारी पक चुकी है, छोले भी पक गए हैं। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। अब गैस पे पैन रख दिया है, तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। थोड़ी हीट आने लगी है, इसका मतलब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो हम पहले धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर और ये गर्म मसाला, और ये जो हमने दिया था छोला मसाला वो डाल देंगे और सबको मिला देंगे। अब डाल देंगे ये मिर्ची, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्ची ले सकते हैं, हम ये नॉर्मल वाली ही मिर्ची डाल रहे हैं इसमें, और सबको इस तरीके से मिला लें। अब प्याज, लहसुन और अदरक का ये पेस्ट बना लिया है, इसे भी डाल करके इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। प्याज और लहसुन अदरक का कच्चापन है वो सब इसी में निकल जाए अच्छे से। ये मसाले पक चुके हैं, जब मसाले पक जाए तो इसमें डाल देना है टमाटर, टमाटर की प्यूरी बना ली थी वो डाल देंगे इसी में, और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और इसी में डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार मिला लें इस तरीके से। ये देखिए किनारे किनारे से तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब मसाला हमारा पूरा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब बारी है छोलों की, ये देखिए छोलों को अच्छे से पकाना है। अब हम इसी में डाल देंगे और अच्छी तरीके से मसाले में कोट होने देंगे। छोलों में भी मसाले अच्छे से कोट हो चुके हैं, इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इसमें वही वाला यूज करेंगे जिस जो कि हमने छोले पकाए थे, उसमें सारे खड़े मसालों की खुशबू थी, तो उस पानी को नहीं फेंकना है, इसमें डाल देना है। थोड़ी देर से ढक करके रख देंगे और थोड़ी देर से पकने देंगे। अब हम खोल करके चेक करेंगे एक बार इसको। वाह, बहुत ही टेस्टी हमारे छोले बने थे। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, थोड़ा सा और मैश कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो चाय की पत्ती का पानी उबाल करके रखा था, तो इसको छान लिया है वो डाल देंगे थोड़ा सा इसमें। अगर आप चाहें तो जो कुकर में आपने छोले उबाले थे, तो उसमें एक पोटली बना करके चाय की पत्ती की उसी के साथ में डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अब इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर और पकने देंगे, ताकि जो हमने चाय की पत्ती का पानी डाला है और वो तो सारा कलर इसमें अच्छे से आ जाए। खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए हमारे छोले बनकर के तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब चलिए हम इसको रख देते हैं साइड में और इसके तड़के की तैयारी करते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे साइड में। ये देखिए कटोरी लेंगे और इसमें तेल डाल दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्ची,
तीन हरी मिर्ची को लंबे लंबे शेप में कट करा है 20 से। जब तड़का के लिए गरम करें ना तो हरी मिर्च को 20 से कट कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर फूटती है। और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। गैस को बंद कर देंगे। तड़का हमारा तैयार है। अब हम इस तड़के को इन छोलों में डाल देंगे। ये देखिए अब हमारे छोले सर्व करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारे बहुत ही टेस्टी छोले बनकर के तैयार हैं। बनाने में बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।